जगह सीबीआई की टीम पहुंची है, चूंकि सीबीआई के पास अब जांच है, सीबीआई की फॉरेंसिक टीम साथ में मौजूद है और ये वो बहुत बारीकी से ये जानने की कोशिश कर रही है कि असल में उस दिन हुआ क्या था। मौके से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने गाड़ी और सबूत हटाए थे। ध्यान दीजिएगा, ट्रक ड्राइवर से पूछताछ भी की जा रही है। सौरभ शुक्ला भी सीबीआई टीम के साथ मौजूद है, वहीं पर हमारे संवाददाता है। सौरभ, पूरी जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। जी राहुल, दो दिन पहले हुए इस घटनाक्रम में कल एसआईटी जांच दी गई थी, जिसके बाद सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ले लिया और मौके पर पहुंची है। सीबीआई की फॉरेंसिक टीम भी साथ में है, वहां पर सघनता से जांच की जा रही है और जो भी पहलू है उन पर जांच हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि पुलिस ने जल्दबाजी दिखाते हुए वहां से जो दुर्घटना के दोनों गाड़ियां थी उनको हटा लिया था राहुल। और अभी भी कितनी देर पहले सीबीआई यहां पहुंची है? जी राहुल, लगभग अगर सीबीआई पहुंचने की बात करें तो एक घंटे पहले टीम यहां पहुंची है और जांच कर रही है राहुल। अभी सीबीआई है कहां? जी सीबीआई टीम अभी मौके पर घटना स्थल पर ही जांच कर रही, रायबरेली पुलिस भी साथ में मौजूद है मौके पर। चलिए सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता सौरभ शुक्ला ने इस बात की जानकारी दी है कि सीबीआई की टीम उस जगह पर पहुंची है जहां पर ट्रक और गैंगरेप पीड़िता का परिवार रायबरेली जा रहा था, टक्कर मारी गई थी, इसमें दो लोगों की मौत हो गई थी और दो अभी भी जिंदगी और मौत से लड़ाई लड़ रहे हैं। वहां सीबीआई की टीम पहुंची है। भारत समाचार आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रही है। आप देख सकते हैं कि यहां पर सीबीआई के तकरीबन 4 से 5 ऑफिसर्स दिख रहे हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान, रायबरेली पुलिस की टीम भी यहां पर मौजूद है और बारीकी से अध्ययन करने की कोशिश की जा रही है। चूंकि परिवार वालों को ये मानना है कि ये जानबूझकर किसी ने एक्सीडेंट कराया है और उत्तर प्रदेश पुलिस का ये मानना था कि प्राइमा फेसी ये प्योर एक्सीडेंट है, तो ये जो दोनों में विरोध है इस विरोध को जानने के लिए सीबीआई पहुंची है कि असल में हकीकत क्या है, ये एक प्योर एक्सीडेंट है या एक सोची समझी साजिश के तहत इस एक्सीडेंट को अंजाम दिया गया है। चूंकि मामला बहुत गंभीर है इसीलिए सीबीआई की टीम आप देख रहे हैं 2 दिन के भीतर ही यहां पर पहुंच आई है। अभी पीड़िता की चाची का अंतिम संस्कार थोड़ी देर पहले हुआ है और ये 2 तस्वीरें हैं। देखिए 28 जुलाई को जो यहां पर हादसा हुआ था वहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वही जगह है जहां पर हादसा हुआ था, गुरबख्श चौकी है और इससे तकरीबन 200 मीटर आप आगे बढ़ेंगे तो एक अतर्रा चौराहा है, वहीं पर यह हादसा हुआ था, उस वो तस्वीर आप देख रहे हैं। और इसी जगह पर बकायदा यहां पर सीबीआई की टीम पहुंची है और रिक्रिएशन के जरिए, यानी ये देख रही है कि उस वक्त कैसे हुआ होगा, अब ये भी कोशिश की जाएगी, एक डमी ट्रक लाई जाएगी और दूसरी तरफ से गाड़ी लाई जाएगी, ये कैसे हुआ होगा, ये सारी कोशिश कर रही है सीबीआई की टीम, बारीकी से जांच कर रही है। रायबरेली पुलिस भी वहां पर मौजूद है, घटना स्थल पर पहुंची है सीबीआई की टीम। चूंकि मैंने आपको एक बार पहले ही बताया, एक बार फिर से बता रहा हूं, चूंकि पीड़िता का परिवार यह कह रहा है कि देखिए इसमें ये बहुत सीधी बात है, ये एक सोची समझी साजिश के तहत एक्सीडेंट कराया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश